ये आ गया तवा। ये दोस्तों हो गई बाजरे की रोटी तैयार। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है अभी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। और अभी शाम के जो है शाम क्या, तो सूरज भी ढल गया है अभी, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा से। और दोस्तों आज का जो वीडियो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग दिखाएंगे हम लोग गाँव में जो है इवनिंग के टाइम पर खाना किस तरह बनाते हैं, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में। बेसिकली इस वीडियो काफ़ी बहन कमेंट किया था कि आप जो है अलग से आप एक वीडियो बना, पहले हमने जो एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था, सॉरी मेरी माँ ने जो बनाया था एक, जिसपे हम बाजरा की रोटी पकाते हैं, जो तवा मेरी माँ जी ने बनाया था। तो उस वीडियो बनाने के बाद काफ़ी भाई ने कमेंट किया था कि इस पर जो आप बाजरे की रोटी और किस तरह आप खाना वगैरह बनाते वो अलग से आप वीडियो बनाओ। आज का वीडियो यही इस टॉपिक के होने वाला है, तो हम लोग के टाइम क्या क्या रूटीन होती है, क्या क्या हम खाने पकाते हैं, तो अभी आपको मैं चल के दिखाता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और इसको आगे शेयर ज़रूर करना। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप वहाँ पर मुझे क्वेश्चन वगैरह आप पूछ सकते हो। तो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और जो है ना, खास करके मैंने अम्मा जी को बोला आप खाना बना के दिखाओ, वैसे मेरी भाभी जी बनाती है खाना, आज मैंने अम्मा को बोला आप खाना बना के दिखाओ। तो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों आज जो है खाना बाहर बने, वैसे जो हम ये चूरा यहाँ पर भी हम खाना बनाते हैं। अभी जो है गर्मियों का टाइम है, इसलिए शाम के टाइम इवनिंग के टाइम जो है खाना बाहर बनाते हैं, तो आपको अभी दिखाते हैं। अभी ये अम्मा जी सब्जी ये काट रही है, ये बड़ चिबड़ जिसे आप काचर बोलते हो, हम लोग चिबड़ बोलते हैं। अभी इसकी ये और दूसरी जो है ग्वारन ग्वार की ग्वार जो उसके साथ ये दोनों की सब्जी मिक्स बनेगी। ये आप काचर बोलते हो, ये इसको हम चिबड़ बोलते हैं। ये काचर और दूसरी जो है वो ग्वार, उसकी दोनों की ये देख सकते हो, ये है ग्वार की फड़ी जैसे हम बोले, इसकी और इसकी दोनों की जो है सब्जी मिक्स बनेगी। ये दोस्तों हमारे जो खेतों के प्योर ग्वार है, दूसरी किसी हमारे खेतों के यहाँ के थरपार करके ये ऑर्गेनिक ये ग्वार देख सकते हो आप। और ये भी आप, ये हमारा खाना बनाने का बाहर इस टाइप से ये चूल्हा बना पड़ा है, अंदर आपको मैंने दिखा दिया। बाहर जो है इस तरह जुगाड़ करें, हम जुगाड़ करके अभी है खाना बनाएंगे, तो आपको दिखाते हैं। ये है चूल्हा इस टाइप से, तो तीन ईंटें यहाँ इस टाइप से लगा के फिर खाना बनाते हैं। दोस्तों ये भी चूरा है, चूरा उसकी भी जो है ये फरी इसके साथ मिक्स करेंगे ग्वार और काचर के साथ, फिर देखते हैं जो है सब्जी कितनी अच्छी बनती है। और यहाँ पे ये खाना बनाने वाली देगड़ी, खाना बनाने वाली देगड़ी यहाँ पे चूल्हे पे लगा दी गई है। तो ये दूसरा जो है बचा हुआ बकरी को देते हैं। यहाँ पे दोस्तों बिल्ली का बच्चा भी देख सकते हो, ये इधर 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 काला इधर, ये दोस्तों ये हमारे घर में ये रहता है इधर। ये घी डालेंगे,
अभी काचर भी अंदर चले गए। नहीं कोई मसाला और नहीं दूसरी जगह ऑर्गेनिक सब्जी, अभी ये तैयार हो रही है। मैंने बता लिया। नहीं नहीं अभी नहीं पता है, पक रहा है अभी। हाँ नाम बता अपना। क्लास। कौन सी क्लास में? तीसरे। तीसरे क्लास में दोस्तों। तो ये जो सब्जी है खेतों की, ये पकने में देर भी नहीं लेती, 5 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाती है। तो ये दोस्तों बाजरे का आटा अभी बनाएगी, हम दिखाते हैं। तो ये आ गया तवा, काफी दिन हो गए हैं अब इस पे रोटी पकाई हुई। काफी दोस्तों ने जो कमेंट किया था इस पे वीडियो बनाओ, तो अभी ये लग गया उसके ऊपर, आज बाजरे की रोटी अभी बनेगी। सबसे पहले आटा जो है इसको साफ किया जाता है, और ये भी जो है ना बर्तन, ये मिट्टी का है जिसे हम कुंडी बोलते हैं, ये भी बाजरे की रोटी पका दे तब काफ़ी जो है ना बर्तन मिट्टी के चाहिए होते हैं। तो बाजरे की रोटी जो पकाते हैं वो है, जितनी रोटी पकते हैं एक जब पकानी होता तो एक रोटी का आटा गूंदा जाता है, जो दूसरी हम लोग जब दूसरी रोटी पकाते तब तो सारा जो आटा एक साथ ही गूंदा जाता है, नहीं तो जो है बाजरे की रोटी में एक साथ जब एक रोटी बनाए तब उतना आटा उस टाइम में गूंदना पड़ता है, उसके बाद फिर बाद। तो ये सब्जी तैयार हो गई, अभी मैंने आपको दिखाया। तो ये दोस्तों ग्वार और काचर की दोनों की मिक्स सब्जी। हाँ ग्वार, ये अभी बाजरे की रोटी तैयार हो रही है, हाथों से बनाई जाती है। अगर आप लोगों ने खाई है तो कमेंट करके बताना। तो ये दोस्तों गई तवे के अंदर रोटी बाजरे की।
तो ये दोस्तों हो गई बाजरे की रोटी तैयार, ये इस टाइप से बनती है। तो ये आप देख सकते हो। नहीं।